ऐसे खतरनाक काम सिर्फ चीन ही कर सकता है। गाइस, एक चाइनीज साइंटिस्ट ने दो बच्चों के डीएनए के एक बीमारी वाले जीन को ही डिलीट कर दिया ताकि उन बच्चों में वो बीमारी पैदा ही ना हो, यानी बीमारी जड़ से खत्म। एक चाइनीज साइंटिस्ट ही जिनको ने कहा कि उन्होंने क्राइस्पर की सहायता से CCR5 नाम के जीन को एडिट करके डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से उन बच्चियों को एड्स कभी भी नहीं होगा। इन साइंटिस्ट ने क्राइस्पर नाम की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बीमारी को डीएनए से ही खत्म कर दिया। ह्यूमन डीएनए कोड से मिलकर बनता है और यही कोड जनरेशन टू जनरेशन बच्चों में ट्रांसफर होता है, जिससे हम ये कह पाते हैं कि बच्चा माँ पर गया है। और फेस ही नहीं बल्कि बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं। पर इस क्राइस्पर के इस्तेमाल से डीएनए के कोड को बदला जा सकता है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इसी बात की चर्चा है कि डीएनए में बदलाव करके हम ह्यूमन पोटेंशियल, स्ट्रेंथ और पावर में बदलाव कर सकते हैं। गाइस, अगर ऐसा हो गया तो आप कौन सी पावर पाना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब आप कोई कैब बुक करते हैं या फिर किराए पर लेते हैं तो किसी अनजान कैब में अनजान ड्राइवर के साथ सफर करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वाला तो आपकी जान बचा सकता है। पहली, कैब में सफर करते वक्त सोने की बजाय हमेशा सतर्क रहें और गूगल मैप पर अपने रास्ते को लगा कर रखें। दूसरी, हमेशा ऐसे अनजान सफर के दौरान अपनी लाइव लोकेशन किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। तीसरी, आप जिस भी कैब में बैठने जा रहे हैं उसकी नंबर प्लेट बुकिंग ऐप में दिए गए नंबर से मैच होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो गलती से भी ऐसी कैब में ना बैठें। चौथी और आखिरी बात, जब भी आप कैब में बैठें तो दोबारा उसका दरवाजा खोलकर जरूर देखें। कई बार दरवाजे पर चाइल्ड लॉक लगा होता है, जिसकी वजह से आप जितना भी गेट को खोलने की कोशिश करें वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। इसलिए कैब में बैठते ही दरवाजे को चेक करें, और अगर वो नहीं खुल रहा तो कैब से बाहर निकलकर तुरंत कैब को कैंसिल कर दें। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो ताकि दुर्घटनाओं से उन्हें बचाया जा सके। जन्म से पहले ही बाप का साया खोने की वजह से उसकी माँ ने घर चलाने के लिए शराब बेचना शुरू कर दिया था। ये देखकर आसपास वाले लोग उसे ये कहते थे कि शराब बेचने वाली का बेटा शराब ही बेचेगा। उन लोगों को गलत साबित करने के लिए उस बंदे ने दिन रात मेहनत की और UPSC क्रैक करके पहले IRS ऑफिसर बना और फिर बाद में IAS। ये कहानी है महाराष्ट्र के धुले जिले में रहने वाले राजेंद्र भारूड की, जो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते थे। इसी दौरान जब उनकी माँ ने शराब बेचनी शुरू की तो लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे। ये सुनकर राजेंद्र के अंदर हालात बदलने की आग पैदा हो गई। कॉलेज के बाद उन्होंने MBBS की तैयारी करना शुरू कर दिया। इसी बीच MBBS के लास्ट ईयर में उन्हें UPSC एग्जाम के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा देने का फैसला लिया। एक साथ MBBS और UPSC की पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्रैक करके IRS अधिकारी बन गए। लेकिन राजेंद्र IAS अधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अगले ही साल दूसरा अटेम्प्ट दिया और IAS अधिकारी बन गए। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। साल 2019 में भारतीय सेना की रिसर्च टीम को हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर 32 इंच लंबे और 14 इंच चौड़े बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हिमालय की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों ने ये दावा किया था कि ये पैरों के निशान एक विशाल काय येति के हैं, और उन्होंने येति को देखा भी है। हैरानी की बात यह है कि साल 1995 में नेपाल के इलाकों में येति की खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नेपाल सरकार ने इस प्राणी के शिकार करने के लिए लोगों को लाइसेंस तक दे दिए थे। खास बात यह है कि इस प्राणी का वर्णन रामायण में भी मिलता है। रामायण में आधा भालू और आधा मानव शरीर धारण किए जामवंत जी का शरीर हूबहू येति से मेल खाता है, और रामायण के अनुसार जामवंत ही एक अकेले ऐसे पात्र थे जो अपनी प्रजाति में अकेले जीवित बचे थे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या सच में येति, या यूं कहें कि जामवंत जी, आज भी हिमालय की पहाड़ियों में जिंदा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।